की तरफ आते हैं, अमली अफराद की तरफ। जी, तो अमली अफराद, आप अपने हालात पर गौर फिक्र कर रहे हैं कि मेरे हालात में बेहतर होने के क्या क्या अमकानात पाए जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है आपकी, इसमें तो बड़ी कशमकश है। आप बड़ी कशमकश में गिरफ्तार हैं। आप अपने काम के लिहाज से, रोमानवी लिहाज से, जो यंग अमली अफराद हैं, बूढ़े अफराद के भी जिक्र कर दूंगा। प्लीज, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी रोमानी मामलात में अमली अफराद मुब्तला हैं, वो बड़े बेचैन हैं, बड़ी अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है, वो कोई फैसला करना चाहते हैं। तो जहाँ तक प्लानर के तलक है, हम यही कहेंगे कि ज़रा सब्र से काम लें और 3 सितंबर तक सब्र से काम लें, कोई फैसला ना करें, बड़ा फैसला ना करें। काम भी आप तब्दील करना चाहते हैं, ये भी आप में जोश व खरोश पाया जाता है कि काम तब्दील करो, मेरी कदर नहीं हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो काम के लिहाज से भी आप मुतमिन नहीं हैं, तो इस लिहाज से आप चुप हो जाएं, अपनी बेचैनी पर काबू पाएं। दूसरा, आप एक और अजीब बात, आप इस वक्त मुब्तला हैं इस हफ्ते, आप समझ रहे हैं कि कोई शख्स आपके खिलाफ बहुत बुरी प्लानिंग कर रहा है, कोई शख्स आपके खिलाफ है, कोई शख्स आपको बड़ा ही परेशान करने वाला है। सूरत हाल ये है अमली अफराद कि वो जो आपको परेशान कर रहा है या जो आपकी नज़र में है, वो ख़ुद बहुत परेशान है प्लानट की वजह से। उसके प्लानट बहुत ख़राब है जो आपका दुश्मन है या आपका आपके जो खिलाफ है। तो आप मुतमिन हो जाएं, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ख़ुद मुश्किल हालात से दो चार है। और उसके बाद ये 28 जुलाई अतारत जो है, वो अपना जुमला में दाखिल होगा, जिससे आप यूँ समझिए कि आप में अपने आप को मज़ीद मनज़म करने की आप कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कामयाब हो जाएँ और आपके बेचैनी पर कंट्रोल कर लें। जल्दबाजी से काम ले लें, चिल योर सेल्फ, ठंडे मिजाज से काम लें। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। सॉरी हजरात, आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं, दूसरों के मामलात में उनकी मदद कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आपकी औलाद में से कोई तालीमी लिहाज से उसके हालात तब्दील हो रहे हैं, वो घर छोड़ेगा, तो आपको इस सिलसिले में अपने औलाद के लिए प्लान करना पड़ेगा। या आपका कोई और रिश्तेदार है, वो घर छोड़कर जा रहा है, तो इस लिहाज से भी आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई कोशिश वैसे नज़र आती है, और आप इस तब्दीली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्लूटो और नॉर्थ नोड का आपका जो अच्छी नज़र है, उसकी वजह से आपके जो तलकात हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी, जैसे आप खुश हो जाएंगे। इस तरह आपका ये पूरा हफ्ता गुजरता नज़र आता है। एक बात जो मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए, जायदाद के मामले में खरीद फरोख्त के लिहाज से पीछे हट जाएं, वरना गड़बड़ होगी।